हेलो एवरीबडी टुडे वी गोना डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट वन पर्टिकुलर फिलोसफर नेम इज वेरी वेरी ब्राइट एंड बिग इन द टर्म्स ऑफ फिलोसफी अगर आज की अगर हम बात करते हैं कि हमें थॉट प्रोसेस जो चल रहा है समहाउ हम बोल सकते हैं वी कैन एट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस टू दिस पर्टिकुलर पर्सन हुज नेम इज रेने डेट राइट हिज नेम इज प्रोनाउंस एज रेने डेट नाउ दिस इज इज मोस्ट फेमस फिलोसफिकल लाइन That he had said

वो उसको अप्लाई करेगा फिलोसफी की फील्ड में एंड एज अ रैशनलिस्ट ही विल ट्राई टू प्रूव ईच एंड एवरी थिंग थ्रू द मेथड ऑफ रीजनिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन हिज पर्टिकुलर फिलोसफी वो सबसे पहले जो चीज इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाउटिंग रेनेडिकार्ड कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल 100% सच नहीं हो सकती हैं अगर मैं कोई मेरे अंदर बिलीफ है इफ आई हैव सर्टेन बिलीव एंड इफ आई कैन डाउट दोज पर्टिकुलर बिलीव इफ आई कैन डाउट दोज पर्टिकुलर बिलीव ऑब्वियसली वो हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं होंगे तो मेरे पास जितने भी ऐसे बिलीव हैं मैं उन सबको इरेडिकेट कर दूंगा क्या कर दूंगा सबको इरेडिकेट कर दूंगा और फिर उन बिलीव को मानूंगा जो हंड्रेड परसेंट करेक्ट है दिस इज वट वी कॉल इट एज द कार्टिसियन मेथड ऑफ डाउट वेरी इंपॉर्टेंट हमारे हर एक के पास कुछ ना कुछ बिलीव हैं दैट वी हैव गेन फ्रॉम अ फादर फ्रॉम अ ग्रैंड मदर फ्रॉम अ ग्रैंड फादर फ्रॉम अ टीचर्स राइट फ्रॉम आर फ्रेंड्स बट रेने डिकार्ड कह रहा है कि हो सकता है कि ये बिलीव गलत हो सकते हैं सो ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डाउटिंग कह रहे हर चीज के ऊपर डाउट करो लेट्स अज्यूम वन थिंग मान लो कोई चीज है जो बहुत दूर है दैट इज अ फार अवे आप उसके ऊपर भरोसा करते हो बट समाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो चीजें काफी दूर है वो आपको धोखा दे सकती है बिकॉज योर सेंस ऑर्गन डिसीव यू दैट है आपको लगता है कि वो चीज सामने है बट एक्चुअली में वो चीज नहीं होती राइट सो दीज आर दिंग्स दैट वी ट्राई टू सी इन आर डेली लाइफ एज वेल समर सीजन में रोड्स में हमें पानी दिखेगा बट वो होगा नहीं एक्चुअली में सो दिस इज अ वन पर्टिकुलर बिलीफ जो रेनेटिकार्ड कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि मैं बाहर की चीजों को बिलीव करूं बट उसने बोल दिया कि मेरे सेंस ऑर्गन मेरे को रिसीव कर सकते हैं तो वो कह रहा है कि अब कोई भी चीज जो दूर है मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करूंगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ अब हो सकता है कह रहा है कि जो चीज मेरे सामने है ये मेरा हाथ है राइट right? ये मेरे पास डस्टर है ये मार्कर है ये पीछे ब्लैक बोर्ड है ये तो मेरे पास है चीजें मैं तो इनके ऊपर बिलीव कर सकता हूं आई कैन ट्रस्ट द थिंग्स विच आर क्लोजर टू मी और विच आर लार्जर इन नेचर बट देन नाउ इंट्रोस्पेक्ट थ्रू द मैथड ऑफ सेल्फ डाउट वो कहता है हो सकता है कि मैं ड्रीम कर रहा हूं आई एम ड्रीमिंग और मुझे ड्रीम में सारी चीजें रियलिटी लग रही हैं। क्योंकि मैं ड्रीम कर रहा हूं तो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि जो चीजें मेरे सामने हैं और जो मेरे पास हैं कि मैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं आर यू गेटिंग पॉइंट रेने टिंग क्या कर रहा है हर चीज के ऊपर एक एलिमेंट ऑफ डाउट लेके आ रहा है वो एलिमेंट ऑफ डाउट इसलिए लेके आ रहा है ताकि वो अपने जो प्री सपोजली बिलीव उसके पास इनहेरिटेड हैं वो उनमें कुछ डाउट कर सके अगर वो डाउट कर पाएगा तो वो उनको इरेडिकेट कर सकता है उसने जो बाहर दूर की चीजें उनको रेडिकेट कर दिया जो पास की चीजें उनके ऊपर भरोसा रेडिकेट कर दिया नाउ ही सेज क्योंकि वो मैथमेटिशियन है कहते अर्थमेटिक पर तो मैं भरोसा कर सकता हूं वन प्लस वन टू है वन प्लस टू थ्री है तो इसके ऊपर तो मैं भरोसा कर सकता हूं बट वो कहता है हो सकता है कि देर इज अ दैट इज ऑल्टरनेटिव टू गॉड जो मुझे क्या कर रहा है डिसीव करने की कोशिश कर रहा है देयर माइट बी अ डीमेन दैट इज बेसिकली डिसीविंग मी सो दीस दोस्त अगर हम बात करें इन तीन चीजों से वो अपने जितने भी प्री सपोजिटली बिलीव्स हैं उनको वो साइड पे करता जा रहा है बट इस पूरे डाउटिंग प्रोसेस के अंदर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि वो सोच पा रहा है वट इज डूइंग ही इज डाउटिंग ही इज थिंकिंग अगर वो कोई चीज सोच पा रहा है मान लीजिए सो ही सेज आई थिंक मैं सोच रहा हूं देयर फोर आई आई एम देयरफॉर फोर आई एम और आई एग्जिस्ट क्योंकि चीज मैं सोच पा रहा हूं इसका मतलब मैं हूं यह नहीं पता कि मेरी बॉडी है या नहीं है वो अभी ये चीज को नहीं बोल रहा वो कह रहा है कि मैं हूं क्योंकि मैं सोच पा रहा हूं क्योंकि उसने क्या किया सोचा ना कि कुछ चीजें दूर हैं कुछ चीजें पास हैं और लेट से अगर हम बात करें अर्थमेटिक की चीजों के ऊपर बट तीनों के ऊपर उसने डाउट किया वो डाउट कैसे कर पा रहा है अगर वो सोच पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ चीजें सोच पा रहा है वो थिंक कर पा रहा है तो वो कह रहा है इसलिए वो एग्जिस्ट कर पा रहा है इसी को हम कहते हैं इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी दैट इज कोगिटो अर्गो सम कोगिटो मींस आई थिंक अर्गो मींस देयरफॉर सम मींस आई एम सो दिस वॉज द फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड और द सेंटेंस कोगिटो अर्गो सम दैट इज आई थिंक देअर फोर आई एम राइट सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसिकल थॉट of René Descartes in the field of rationalism in the field of reasoning that would be further propounded by the theories of Spinoza and Leibniz right so this was a very interesting entrance into the field of philosophy so that you guys are able to understand what are the various lines meanings that we have of philosophy and this was indeed the philosophy of René Descartes वेर टू एक्सप्लेन कि मैं सोच पा रहा हूं इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूं बॉडी है या नहीं वो उसने अभी नहीं बताया पर उसने इतना बताया है अपनी पहली मेडिटेशन के अंदर क्यों क्योंकि मैं सोचता हूं इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूं मैं कोई सोचने वाली चीज हूं आई कुड बी माइंड आई कुड बी इंटेलेक्ट एज वेल राइट सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू रेनेडिकार्ड थैंक यू सो मच